पीथमपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 14 एंड्रॉइड मोबाइल, 12 बोर के देसी कट्टे और चोरी की मोटरसाइकिल सहित 2 मोबाइल लुटेरे पकड़ाए हैं। उक्त जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर तरुणेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह द्वारा मोबाइल छीनने की घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु बदमाशों की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था। पीथमपुर पुलिस द्वारा फैक्ट्री एरिया में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना प्रभारी पीथमपुर तारेश कुमार सोनी को सूचना मिली कि 2 लड़के एक काले रंग की मोटरसाइकिल से फैक्ट्री एरिया में मोबाइल छीनने की नीयत से घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस स्टाफ के साथ घेराबंदी की गई तो 2 लड़के मोटरसाइकिल सहित भागते हुए पकड़े गए, जिसके पास से एक 12 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा राउंड बरामद हुआ। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर बताइए क्या घटनाक्रम है सर? आज हमारी टीम ने कल रात में 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से हमको एक 12 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा राउंड, 14 एंड्रॉइड मोबाइल और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपियों के नाम हैं राहुल पिता सुधीर भोई काली बिल्लोद और राजेश पिता मदनलाल बलाई निवासी ग्राम काली बिल्लो। ये दोनों काली बिल्लो थाना बेटमा क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों चोरी की मोटरसाइकिल से फैक्ट्री एरिया सागर रोड, बेटमा रोड, सेक्टर 1 क्षेत्र में और सुनसान जगहों पर राह चलते लोगों से मोबाइल छीनते थे और साथ ही ये कट्टा भी रखते थे ताकि ये उससे लोगों को डराते भी थे। अभी तक पुलिस कार्रवाई में इनसे पूछताछ में 14 एंड्रॉइड मोबाइल, एक कट्टा और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त एक और मामला है जिसमें फरियादी नरेंद्र जायसवाल ने थाने पर रिपोर्ट की कि उसने उसकी 220 पल्सर मोटरसाइकिल बेचने के लिए OLX पर विज्ञापन दिया था, जिसको देखकर 2 लड़के पीथमपुर में उनके पास आए, उसकी गाड़ी को देखा और गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाने का कहकर ले गए और वापस नहीं लौटे, गाड़ी लेकर फरार हो गए। हमें नरेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट पर धारा 430 का अपराध पंजीबद्ध किया और काफ़ी सारे कैमरों के फुटेज के आधार पर हमने आरोपियों की पहचान की। आरोपियों के फोटो कई जगह दिखाए गए। मुखबिर सूचना के आधार पर हमने आरोपी कृष्णा पिता सुमेर सिंह भिलाला निवासी धन तालाब गंधवानी का रहने वाला है और वर्तमान में पवनपुरी कॉलोनी और कुआ क्षेत्र इंदौर में रहता है, इसको गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से हमने 220 पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की है। इसका एक और साथी है जिसका नाम है तिलक जर्मन, ये भी गंधवानी क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। सर आपका नाम? मैं तारेश कुमार सोनी, थाना प्रभारी पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।